और भारत चीन सीमा विवाद पर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पूर्वी लद्दाख की मौजूदा स्थिति के बारे में सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि वहां हालात स्थिर हैं लेकिन अप्रत्याशित भी हैं। राइट, सो इन अ सिंगल सेंटेंस इफ आई वर टू डिस्क्राइब, आई विल से द सिचुएशन इज स्टेबल बट अनप्रेडिक्टेबल। ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि LAC पर आर्मी चीफ का अलर्ट है और इस अलर्ट के मुताबिक समझ लीजिए पूर्वी लद्दाख में LAC पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि वहाँ स्थिर स्थिति है लेकिन अप्रत्याशित। अप्रत्याशित यानी अगले पल क्या हो जाए इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान जनरल पांडे ने कहा कि चीन के साथ अगली वार्ता का उन्हें इंतजार है। दोनों देशों के बीच गलवान के बाद से 16 बार सैन्य स्तर की बातचीत हो चुकी है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सेना प्रमुख ने ये भी कहा कि चीन के साथ टकराव के 7 में से 5 पॉइंट को वार्ता के जरिए सुलझा लिया गया है लेकिन LAC के उस पार चीनी सैनिकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। भारत और चीन के बीच अगले दौर की सैन्य वार्ता में सेना डेमचोक और डिप्सांग मसले का हल निकालने की कोशिश करेगी। इस साल सितंबर महीने में भारतीय और चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोल पॉइंट 15 से पीछे हटे थे। जनरल के मुताबिक चीन की बातों पर भरोसा करना धोखा खाने जैसा है, इसलिए भारतीय सेना 2400 घंटे चौकन्नी रहती है ताकि विरोधी सेना को पीठ पर वार करने का कोई मौका न मिले। राइट, सो आई मीन वी ऑल नो व्हाट द चाइनीज से एंड व्हाट दे डू इज क्वाइट डिफरेंट, सो आई मीन इट्स आल्सो पार्ट ऑफ द डिसेप्शन और देयर नेचर, देयर कैरेक्टर। राइट, सो वी ओनली व्हाट दे से और व्हाट दे आर्टिकुलेट वी नीड टू जस्ट, बट परहैप्स वी नीड टू फोकस ऑन देयर एक्शंस rather than what is there in the written text or written scripts or their articulation, perhaps then we'll not go wrong. आर्मी चीफ का इशारा सिर्फ भारतीय सैनिकों को तैयार रहने भर का ही नहीं बल्कि मैसेज चीन को भी है कि अगर LAC पर विश्वासघात करने की कोई भी कोशिश की तो उसका अंजाम चीन को भुगतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब से ठीक 24 घंटे के बाद इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली मुलाकात होगी। पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर टिकी हैं लेकिन चीन ने मुलाकात से पहले ही अमेरिका को चेतावनी दे दी। चीन ने साफ कहा है कि अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर होने वाली वार्ता को सार्वजनिक न करे। शी जिनपिंग की होने वाली मुलाकात से ठीक पहले दोनों देश एक दूसरे पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। चीन ने अमेरिका को दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर चेतावनी दी है। चेतावनी जिनपिंग और बाइडेन के बीच ताइवान को लेकर होने वाली बातचीत को मीडिया और पब्लिक में नहीं बताने की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि चीन ने साफ साफ शब्दों में अमेरिका से कहा है कि इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन के दौरान सभी नेताओं में ताइवान के मुद्दे पर जो भी बातचीत हो उसे किसी भी हालत में बाहर नहीं लाना है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने इस चेतावनी के पीछे लॉजिक क्या दिया है वो देखिए। चीन और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों के बीच होने वाली बैठक की जानकारी ताइवान को देना वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच हुए समझौतों का उल्लंघन है। हालांकि चीन के इस बयान पर अमेरिका की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि दोनों नेता अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव को घटाने के लिए वार्ता करेंगे। लेकिन जहां तक ताइवान का सवाल है तो अमेरिका और चीन दोनों आमने सामने हैं। अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है और इसी वजह से चीन अमेरिका से खफा है। अब बाली में होने वाली मुलाकात के बाद ही पता चलेगा कि दोनों देशों के बीच तनाव कम होगा या और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।